अगर आप लोगों ने मिर्जापुर वेब सीरीज देखी है तो आपको एक सीन का पता होगा जिसमें कि बीना जी कहती हैं अपने अखंडा त्रिपाठी से कि क्या कर रहे हो, बार बार गर्म करके ठंडा ही छोड़ देते हो। तो कुछ इसी तरह का सीन आज की इस मूवी में होने वाला है। हम लोग देखेंगे कि एक जवान लड़की की शादी एक बूढ़े आदमी से की जाती है। अब वो बूढ़ा आदमी उस लड़की के कपड़े भी उतार देता है पर लेकिन उसके साथ उससे आगे कुछ भी नहीं करता और वो लड़की ऐसे ही ठंडी पड़ी रहती। अब आगे इस मूवी में और क्या क्या होने वाला है ये देखने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना। एंड अगर आप लोग नए आए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो आओ यार एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं बिना और किसी फालतू बकचोदी के। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम लोग कैथरीन नाम की एक खूबसूरत और जवान लड़की को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि उसकी शादी हो रही होती है एक उससे भी ज्यादा बूढ़े आदमी से और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो आदमी बहुत ज्यादा अमीर। अब यहाँ पे इन दोनों की शादी होने का कारण ये था कि कैथरीन बहुत ही ज्यादा गरीब परिवार से थी और उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो किसी अमीर फैमिली में शादी करे, इसलिए उसकी शादी एक बूढ़े आदमी से करवा दी जाती है। शादी के बाद कैथरीन को एक बहुत ही ज्यादा बड़े महल में ले जाया जाता है जहाँ पर हमें पता पड़ता है कि उसने कितने ज्यादा अमीर फैमिली में शादी की। हम लोग अब देखते हैं कि कैथरीन की पहली नाइट थी और हम अलेक्जेंडर को देखते हैं जो कि उसका पति था। अलेक्जेंडर कैथरीन को उसके कपड़े उतारने के लिए कहता है और कैथरीन भी बिना झिझके उसकी मांगों को पूरा करती और अपने कपड़े उतारती है। अब आपको लग रहा होगा कि इन दोनों के बीच में यहाँ पे स्वागरात मनने वाली है पर लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था क्योंकि यहाँ पे जो अलेक्जेंडर था उसने पहली बार कोई लड़की बिना कपड़ों के देखी थी और वो कैथरीन को देख के अपने नन्नू को हिला के सो जाता है। यहाँ पर हमें पता पड़ता है कि अलेक्जेंडर कितना बड़ा चूतिया आदमी था। अब भाई साहब कैथरीन तो इस रात को यादगार बनाने के लिए बहुत कुछ सोच के बैठी हुई थी पर उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता और फाइनली वो भी सो जाती है। अब अगले दिन हम लोग देखते हैं कि अलेक्जेंडर ने कैथरीन के लिए एक नौकरानी ऐना को अपॉइंट किया था। यहाँ पर हमें पता पड़ता है कि एक कैथरीन को कुछ भी काम ना करना पड़े इसलिए यहाँ पे ऐना उसका सारा काम किया करती थी, यानी कि उसे उठाना, उसे कपड़े पहनाना, उसे नहलाना, यहाँ तक कि कैथरीन को खाना खिलाना भी ऐना की जिम्मेदारी थी। अब क्योंकि कैथरीन पे दिन भर कोई भी काम नहीं रहता था तो वो दिन भर सोती ही रहती थी। अब एक रात हम लोग देखते हैं कि ऐना जो होती है वो कैथरीन के रूम में होती है, तभी वहाँ पे अलेक्जेंडर आ जाता है और अलेक्जेंडर ऐना को भगा देता है। तो आज हमारा अलेक्जेंडर भाई फुल फॉर्म में था, वो यहाँ पे कैथरीन से कहता है कि चल भाई मेरे लिए अपने कपड़े उतार। अब कैथरीन को लगता है कि आज तो यहाँ पे अलेक्जेंडर का चूहा शेर बनने वाला है और वो आज मेरी गुफा में घुस के ही रहेगा। तो कैथरीन भी ये सोच के अपने कपड़े उतार देती है। अब अलेक्जेंडर यहाँ पे कैथरीन को मुड़ने के लिए कहता है और कैथरीन मुड़ जाती है। अब उसे लगता है कि जब मैं मुड़ूंगी तो उसका चूहा शेर बन के मेरी गुफा में घुसेगा, पर अलेक्जेंडर भाई तो कुछ और ही करना चाहता था। वो वहाँ पे चेयर पे बैठा बैठा उसको नंगा देख के अपना नन्नू को हिला रहा था, जिसके बाद वो जैसे ही अपने नन्नू से थूक निकलवा देता है उसके बाद वो सो जाता है। अब जब कैथरीन को ये सब पता पड़ता है तो वो भी उदास होकर सो जाती है। दोस्तों यहाँ पे हमें पता पड़ता है कि अलेक्जेंडर को एक प्रॉब्लम थी जिसमें कि उसका जो नन्नू था वो बहुत ही ज्यादा छोटा था और वो उसे अपनी वाइफ को यानी कि कैथरीन को दिखाने में बहुत ज्यादा शर्माता था। उसे लगता था कि जब वो अपनी वाइफ के साथ वो सब करेगा और उसकी वाइफ को पता पड़ जाए कि उसका नन्नू छोटा है और उसकी हंसी उड़ाई जाएगी, इसलिए उसने आज तक कैथरीन के साथ गपागप नहीं किया था। कैथरीन तो सोच के आई थी कि मैं तो अपने हस्बैंड के साथ वाइल्ड हो जाऊंगी लेकिन यहाँ पर तो उसके हस्बैंड ने ही उसका चूतिया काट दिया था। अब क्योंकि कैथरीन की जिंदगी उसके हिसाब से नहीं चल पा रही थी तो उसे उस घर में घुटन महसूस होने लगी थी, उसे लगता था कि वो किसी पिंजरे में कैद है। अब एक दिन हम लोग देखते हैं कि अलेक्जेंडर को किसी काम से बाहर जाना था तो वो कैथरीन से बोल के वहां से चला जाता है। हम लोग देखते हैं कि अलेक्जेंडर का जो फादर था यानी कि बोरिस, उन्हें भी एक बिजनेस मीटिंग के लिए शहर से बाहर जाना था। अब हम लोग देखते हैं कि ये दोनों शहर से बाहर चले जाते हैं और जो कैथरीन थी वो घर में ऐना के साथ अकेली थी। अब तो भाई साहब उसके मजे आ गए थे क्योंकि वो पूरे घर में अकेली थी यानी कि वो पूरे घर की मालकिन बन चुकी थी, वो जो चाहे वो कर सकती थी। तो हम देखते हैं कैथरीन को जो कि घर से बाहर निकल जाते हैं टहलने के लिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं वो एक आउट हाउस में आती है और वहां पर देखती है यहाँ पे अलेक्जेंडर के दो नौकरों ने ऐना के कपड़े उतार के उसे दीवार पे टांग रखा है और वो उसके साथ गपागप कर रहे हैं। अब ये सब देखकर ऐना शॉक में आ जाती है। वहां पर हम लोग एक नौकर को देखते हैं जिसका नाम सेबेस्टियन था। हम लोग देखते हैं कि कैथरीन को सेबेस्टियन कुछ अट्रैक्टिव लग रहा था तो कैथरीन यहाँ पे सेबेस्टियन के साथ चुम्मा चाटी करने लगती है और उसे इनवाइट भी करती है अपने रूम में। अब जब सेबेस्टियन उस महल में आ चुका था और जैसे वो कैथरीन के रूम में जा रहा होता है तो कैथरीन उसे पहले तो आने से मना करती है पर धीरे धीरे कैथरीन भी उसकी बातों में आ जाती है और उसे अपने रूम में बुला लेती है। अब क्योंकि अलेक्जेंडर के नन्नू में तो दम नहीं था तो कैथरीन अपने नौकर सेबेस्टियन के साथ ही वो सब अपने बेड पे करने लगती है। ये सब करने के बाद कैथरीन को इस सब में इतना मजा आ जाता है और उसे ऐसा लगता है कि उसकी बरसों की प्यास आज सेबेस्टियन ने बुझा दी है। अब कैथरीन को इतना ज्यादा मजा आने लगा था कि वो डेली सेबेस्टियन के साथ गपागप किया करती थी। दोनों को ये सब करते हुए ऐना देख लेती है। अब अगले दिन हम लोग देखते हैं कि जो बोरिस है वो शहर से वापस आ चुके हैं और ऐना उन्हें बता देती है कि सेबेस्टियन और कैथरीन का आपस में अफेयर चल रहा है और इसके बाद बोरिस यहाँ पे सेबेस्टियन को मारने का ऑर्डर दे देते हैं, जिसके बाद सेबेस्टियन को पहले तो जेल में डाल दिया जाता है। अब ये बात जैसी कैथरीन को पता पड़ती है तो वो बोरिस के पास जाती है और बोरिस उल्टा कैथरीन को थप्पड़ मार देते हैं।
जिसके बाद कैथरीन को गुस्सा आता है और वो यहाँ पे बोरिस के खाने में गुस्से में जहर मिला देती है और उस जहर को खाने के बाद यहाँ पे बोरिस की जान चली जाती है। हम लोगों को पता पड़ता है कि अलेक्जेंडर अपनी सिटी से बहुत ज्यादा दूर था और वो अपने फादर के फ्यूनरल में भी नहीं आ सकता था। अब इसके बाद हम देखते हैं कैथरीन को, जिसका राज पूरे शहर में हो जाता है। अब वो यहाँ पे खुलेआम सेबेस्टियन के साथ घुमा करती थी और जब चाहे तब उसके साथ गपागप किया करती थी। एक दिन हम देखते हैं कि कैथरीन सेबेस्टियन के साथ उसके रूम में गपागप कर रही होती है, तभी यहाँ पे अलेक्जेंडर आ जाता है। कैथरीन सेबेस्टियन को अपने रूम में ही छुपा देती है। जब अलेक्जेंडर रूम में घुसता है तो उसे पहले ही पता पड़ जाता है कि सेबेस्टियन इस रूम में है और वो कैथरीन को पहले ही बता देता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा और सेबेस्टियन का अफेयर चल रहा है। अब यहाँ पर हम कैथरीन को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा बेशरम थी और सेबेस्टियन को अपने पति के सामने ही बेड के नीचे से निकालती है और उसके सामने ही दोनों गपागप करना शुरू कर देते हैं। ये सब देखने के बाद अलेक्जेंडर को लगता है कि मैंने भी यार किस औरत से शादी कर ली। हम लोग देखते हैं कि अलेक्जेंडर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और यहाँ पर इन दोनों के बीच में हाथापाई हो जाती है। उस हाथापाई में सेबेस्टियन अलेक्जेंडर को खत्म कर देता है। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि रात के अंधेरे में ही कैथरीन और सेबेस्टियन अलेक्जेंडर की लाश को दफना देते हैं, साथ ही साथ वो उसके घोड़े को भी मार देते हैं ताकि किसी को पता ना पड़े कि अलेक्जेंडर यहाँ पे आया था। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कैथरीन और सेबेस्टियन के रास्ते में कोई भी नहीं था। ये दोनों पूरी अय्याशी से उस महल में रहते थे और पूरी अय्याशी से घपाघप किया करते थे। इनको लगता था कि इनकी मुसीबतें खत्म हो गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। वहाँ पे एक औरत आती है एक छोटे बच्चे को लेके और वो बताती है कि ये अलेक्जेंडर की पिछली वाइफ से उसका एक बेटा है और हमें एक लॉ के अकॉर्डिंग ये प्रॉपर्टी उस बच्चे के नाम करनी होगी। अब ये बात सुनकर कैथरीन को बहुत ही अजीब लगने लगता है और वो यहाँ पे उस औरत को धमकाने लगती है, पर वो औरत डरती नहीं है बिल्कुल भी और कहती है कि अगर तुम लॉ के अकॉर्डिंग चलोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा और अगर तुमने कुछ भी ऊंच नीच करने की कोशिश की तो ये प्रॉपर्टी तुम्हारे हाथ से छीन सकती है और दूसरा तुम्हें जेल भी हो सकती है। हम लोग अब अगले दिन देखते हैं कैथरीन को जो कि उस लड़के के साथ खेल रही होती है। अब यहाँ पे खेलते खेलते कैथरीन उस लड़के में थप्पड़ मार देती है जिससे कि उस लड़के को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो जंगलों में निकल जाता है। हम लोग देखते हैं कि अब पूरी रात वो लोग उस लड़के को ढूंढ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि सेबेस्टियन रात को उस लड़के को ढूंढ लेता है। सेबेस्टियन उस लड़के को अपनी माँ के बजाय कैथरीन के पास पहले ले जाता है। अब क्योंकि वो लड़का उस प्रॉपर्टी का दावेदार था तो उन दोनों के मन में एक बात आती है कि क्यों ना वो उस लड़के को मार दे। तो हम लोग देखते हैं कि वो उस लड़के को मार देते हैं और जब सेबेस्टियन उस लड़के को दफनाने के लिए जाता है और उसे दफना देता है तो उसे एक बहुत ही बड़ा रिग्रेट होता है। वो अपने आप पे गिल्टी फील करता है कि उसने एक छोटे बच्चे को मार दिया। अब वो ये बात जाके पुलिस को बताने वाला होता है और उस पुलिस को बता देता है कि बोरिस अलेक्जेंडर और उस बच्चे टेडी को भी कैथरीन ने मरवाया है। दोस्तों अब जब कैथरीन से इस बारे में पूछताछ होती है तो कैथरीन बताती है कि ये सब एना ने और सेबेस्टियन ने किया है क्योंकि इन दोनों का अफेयर चल रहा था और वो ये दोनों चाहते थे कि वो इस प्रॉपर्टी पे कब्जा करें और इसलिए वो लोग उस बच्चे को मार देते हैं। अब ये बात सुनकर सारे पुलिस वाले यहाँ पे एना को जो कि निर्दोष थी और सेबेस्टियन को जेल में भेज देती है। अब हम लोग कैथरीन को देखते हैं जो कि इस पूरी प्रॉपर्टी की अच्छी तरह से मालकिन बन गई थी और उस पूरी प्रॉपर्टी में अकेले ही रहा करती थी। अब दोस्तों कुछ इसी तरह से ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर मार देना। आपके एक लाइक से मैं लक्ष्य चौधरी या फिर कैरी मिनाटी तो नहीं बन जाऊंगा, लेकिन मैं मोटिवेट जरूर होऊंगा एक अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए अगली बनाने के लिए। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।